खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और इस पर बातचीत करने के लिए लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक भरद्वाज आईएमए प्रेसिडेंट वाराणसी से जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू जी। डॉक्टर आलोक जी, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी केजीएमयू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 5 नए मामले सामने आए हैं, जो 3 लखनऊ से और 2 कानपुर से। पूरे देश की बात करें तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, 26,000 के पार हो गया है आंकड़ा। क्या कहेंगे पहले? डेफिनेटली जो है नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी ज्यादा बढ़ रही हैं, ज्यादा जांच करेंगी तो ज्यादा जो है केसेस सामने आएंगे। लेकिन अभी भी एसिम्टोमेटिक जो है पेशेंट्स, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी भी जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफी जो है अभी भी कंट्रोल में है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात करें तो इन सब के बीच अगर हम स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करें, लगातार जो कहा जा रहा था कि जो इस टेस्टिंग को लेकर है वो गति बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब टेस्ट हो पाएंगे तभी सही रिपोर्ट हमारे सामने क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार स्थिति क्या है। हाँ, टेस्ट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पकड़ में आने की संभावना है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक कैरियर्स काफी जो है चारों तरफ है और ज्यादा टेस्ट करने पे वो पकड़ में आएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करने की जरूरत है और पहले के मुकाबले जो है जांच जो है उसकी जो है रेशो उसका बड़ा भी दिया गया है सरकार द्वारा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी 26 मामले सामने आए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। और ये साफ तौर पर इसको लेकर लगातार सरकार भी फोकस कर रही है कि लोगों को बार बार इस चीज को लेकर हमें जागरूक करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने कॉन्टेक्ट प्वाइंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, वहां पर सैंपलिंग की जा रही है और साथ में ये लिस्ट बनाई जा रही है कि किन लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो रहे हैं और उनकी भी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। सो दे आर प्रीटी एक्टिव और जो है जो भी बेस्ट हो सकता है उसको करके ज्यादा से ज्यादा केसेस खोजने की कोशिश वाराणसी शहर में हो रही है। बिल्कुल सर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आपसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं। दरअसल क्योंकि परसों की बात करें जब दिल्ली में 4 मरीज ऐसे थे जिन पर प्लाज्मा थेरेपी की गई और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो वाकई बेहद शानदार थे और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जगी कि हो सकता है कि ये एक ऐसा थेरेपी हो जो आगे कोरोना में कारगर होगी। और कई उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत वहाँ पर भी की गई है। तो कैसे प्लाज्मा थेरेपी काम करती है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है कि जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुकी है उनकी बॉडी में वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है और वो एंटीबॉडी जो है काफी समय तक जो है ब्लड के अंदर रहती है। तो वो जो एंटीबॉडी वाला ब्लड है वो जब निकाला जाता है और उसमें से ब्लड के अंदर 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट और उसके बाद प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। वो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है कोरोना के अगेंस्ट में, तो जैसे एक तरह से टीका काम करता है, एक तरह से वैसे ही पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरह से होता है। आपने जो है अगर उसको एंटीबॉडीज को जो है किसी भी पेशेंट के अंदर डाला तो वो वायरस को मारने की क्षमता रखता है और उससे वायरस मर जाता है। तो अगर किसी के अंदर वो संक्रमण है और उसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई तो वो जो वायरस है उसके मरने की शुरुआत हो जाती है और उससे वो पेशेंट ठीक होने लगता है। जी बिल्कुल डॉक्टर आलोक, जिस तरह से देखा जाए आपने कहा तो ये जो है एडवांटेज रहता है प्लाज्मा थेरेपी का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में इसकी शुरुआत की जा रही है, तो क्या लगता है जिस तरह से देखा जाए, ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं उनकी बॉडी से ही ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा निकाले जाते हैं और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक और कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जिनकी बॉडी से आपको एंटीबॉडी प्लाज्मा चाहिए होंगे वो हॉस्पिटल आएं और अपनी बॉडी से एंटीबॉडी प्लाज्मा लें, और जिसमें कुछ लोगों को ये भी लगता है कि खून कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट भी
किया जा सकता है, लेकिन इसको किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे कि ब्लड वापस दोबारा उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्लाज्मा ही लिया जाता है? डॉक्टर आलोक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार पूरे देश का अगर हम आंकड़े की बात करें तो 26,000 से ज्यादा ये संख्या हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 1793 यानी कि लगभग ये कहा जा सकता है 1800 मामले उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। आज ही केजीएमयू की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि 5 नए मामले सामने आए हैं जिसमें से 3 लखनऊ से और 2 कानपुर से हैं। और डॉक्टर आलोक भारद्वाज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आलोक, लगातार अगर प्लाज्मा एंटीबॉडी प्लाज्मा की बात करें, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसकी बॉडी से इसको निकाला जाता है और जो कोरोना पॉजिटिव का मरीज है जो ठीक हो चुका है उसकी बॉडी से निकालते हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो इसको लेकर लोग जागरूक नहीं है उतने ज़्यादा कि वो हॉस्पिटल आए और अपनी बॉडी से एंटीबॉडी प्लाज्मा डोनेट करें और उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अपडेट होने की ज़रूरत है कि जो ब्लड है वो वापस ही उनकी बॉडी में डाल दिया जाता है, सिर्फ एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, तो इसको लेकर किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, ये बड़ा सिंपल चीज है। जैसे सिंगल डोनर प्लाज्मा में प्लेटलेट निकाल लिया जाता है सिंगल डोनर प्लेटलेट में और बाकी ब्लड की चीजें वापस डाल दी जाती हैं, वैसे ही जो है इसमें भी प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और बाकी चीजें वापस बॉडी में डाल दी जाती है। तो हमारे यहाँ जो है जितने जमाती थे जिन लोगों ने की जो है ब्लड जो है में संक्रमण जिनके पाया गया कोरोना वायरस का, वो उनमें से बहुत से लोग तैयार हुए जो कि जो है पॉजिटिव साइन है कि वो जो है चाहते हैं कि हमारे ब्लड से आप जो है प्लाज्मा ले लें और उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज करें। तो जैसे अगर इस चीज को हाईलाइट करता है मीडिया की जमाती लोग देने के लिए तैयार है तो हमको लगता है जितने भी लोग रिकवर कर रहे हैं वो सब अपना जो है प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो मेरे समझ से केवल जागरूक करने की आवश्यकता है मीडिया के द्वारा, इससे लोग तैयार हो जाएंगे और बहुत से लोगों को इलाज में फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार जो कुछ लोग ऐसे जमात से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी के एंटीबॉडी प्लाज्मा देने को तैयार हो गए हैं, ये एक अच्छी पहल है क्योंकि जब एंटीबॉडी प्लाज्मा मिल जाएगा तो बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके बॉडी पर इंजेक्ट करके कहीं ना कहीं उससे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।